नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। आज 105वें उर्से रजवी के आखिरी दिन आला हजरत फाजिले बरेलवी के कुल शरीफ की रस्म लाखों की संख्या में देश विदेश के अकीदतमंदों, उलेमा, सज्जादगान की मौजूदगी में अदा की गई। इस मौके पर विश्व के नामचीन उलेमा ने दुनिया भर के मुसलमानों के नाम खास पैगाम जारी किया। कुल शरीफ के बाद 3 रोजा उर्स का समापन हो गया। सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां ने मुल्क हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में अमनो सुकून व खुशहाली की खुसूसी दुआ की। आज की महफिल का आगाज दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुभान रजा खान सुभानी मियां की सरपरस्ती, सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रजा कादरी अहसन मियां की सदारत व सैयद आसिफ मियां और उर्स प्रभारी राशिद अली खान की देखरेख में हुआ। निजामत कारी यूसुफ रजा संभली ने की, कारी स्वालेह रजा मंजरी ने कुरान की तिलावत की। इसके बाद उलेमाओं की तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ। अपनी तकरीर में मुफ्ती सलीम नूरी ने कहा, आज हिंदुस्तान भर में मीडिया व सोशल मीडिया पर साजिश के तहत पैगाम दिया जा रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। मैं इस जिम्मेदार स्टेज से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वज मुसलमान थे। हमारा डीएनए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान गौर से सुन ले, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं मुसलमान थे। मुसलमान इस मुल्क में किराएदार नहीं बल्कि मालिक की हैसियत से है। हम इस मुल्क में खैरात में नहीं रह रहे हैं। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। ये मुल्क जितना गैर मुस्लिमों का है उतना ही मुसलमानों का भी है। जो जितना सच्चा मुसलमान होगा उतना वो अपने मुल्क का वफादार होगा। मुसलमानों ने भी मुल्क की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब्दुल हमीद, टीपू सुल्तान, अल्लामा खैराबादी समेत हजारों मुसलमानों ने अपने लहू से कुर्बानी दी। सियासी पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए देश में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने का काम कर रही है। मुसलमान नफरत का जवाब फूलों से दे। मुल्क भर में हिंदू मुसलमान कमेटियां बनाकर इस नफरत की खाई को पाटने की कोशिश करें। इंग्लैंड से आए अल्लामा फारूक उल कादरी ने कहा कि इल्म का दौर है। मुसलमान अपने बच्चों को मौलाना मुफ्ती के साथ बैरिस्टर, इंजीनियर और डॉक्टर बनाएं। आगे कहा कि मुसलमानों तुम नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंद की धरती पर पैदा किया जहां आला हजरत की जात है, जिसने अपने इल्मी कारनामों से इस्लामी जगत को हैरान कर दिया। आपकी नात गोई पूरी तारीख में कहीं नहीं मिलती। इसके साथ ही नबीरे आला हजरत सैयद सैफ मियां, मुंबई से आए मुफ्ती सलमान अजहरी, मुफ्ती कफील हाशमी आदि सहित तमाम उलेमाओं ने अपनी तकरीर के जरिए लोगों को नेक राह पर चलने की सलाह दी। स्टेज पर दरगाह प्रमुख हजरत सुभानी मियां की ओर से सभी उलेमा की दस्तारबंदी शाहिद नूरी, परवेज नूरी, औरंगजेब नूरी, ताहिर अलवी, अजमल नूरी आदि ने की। तमाम उलमा इकराम ने आला हज़रत की शान बयान की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीधा और सच्चा रास्ता बताया उस पर अमल करने के लिए उलमाओं ने अपील की। साथ ही दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खान कादरी अहसन मियां साहब ने की तरफ से एक पैगाम जारी किया गया कि पूरे देश में कुछ सियासी पार्टियाँ अपने सियासी फायदा लेने के लिए जो है हिंदू और मुसलमान दोनों में आपसी खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए देश भर के तमाम उलमा जो है अपने शहर, अपने बस्ती, अपने गांव में जाकर आपसी भाईचारा कमेटियां बनाएं, सरे दाई में रहकर लोगों को एक करने की कोशिश करें। नफरत जो बांटी जा रही है उसका जवाब जो है फूलों से दें। इसके अलावा मुसलमानों से अपील की गई कि वो अपनी बेटियों को मोबाइल ना देकर उनके हाथ में किताब दें, बाहरी शरीयत दें, कानून शरीयत दें, अपनी बेटियों को बचाएं। इसके अलावा मुसलमानों में जो फजूल खर्ची है, डीजे बाजा, उसको लेकर भी जो है अपील की गई। इसके अलावा इमामों से अपील की गई वो ऐसी शादियों में निकाह ना पढ़ाएं जहाँ पर डीजे बजते हों। इसके अलावा जो आने वाला जुलूस मोहम्मदी है इसमें जोर शोर से डीजे बजते हैं। इस्लाम में डीजे और ये म्यूजिक वाली नात इसकी मनादी की गई है, आला हजरत का फतवा भी है। इसको लेकर भी यहाँ उलमा ने पैगाम दिया कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे हरगिज़ ना लेकर आए, सुकून और शांति के साथ चलें, मुल्क में आपसी भाईचारा शांति कायम रखें। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खान कादरी अहसन मियां साहब ने भी सबसे आखिर में खुसूसी दुआ की और मुल्क में आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत
के लिए खुसूसी दुआ है। आज क्या बजे कुल शरीफ हुआ? 2:38 पर कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। जैसे ही 2:38 हुए उसी वक्त फिजाओं में कुरान की आयतें गूंजने लगी। कहाँ की बारी से लोगों ने फातहा पढ़ी और उसके बाद में खुसूसी दुआ। कहाँ कहाँ से जायरीन आए थे? पूरे दुनिया भर के तमाम देशों से जायरीन आए थे, जिसमें इंग्लैंड से फारूकुल कादरी साहब आए थे, तंजानिया से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, नेपाल से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, श्रीलंका से आए थे, तमाम लोग जगह से जायरीन आए थे और इसके अलावा मुल्क के कोने कोने से भी जायरीन आए थे। पूल कोर्स के समापन के साथ ही देश और दुनिया के तमाम जो जायरीन हैं उनकी वापसी शुरू हो चुकी है और मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी दुनिया भर के अकीदतमंदों को उनके रस्मी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।